भारतीय किसान संघ ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि वर्ष में एक बार सभी किसानों को उनके रकबे के आधार पर एक मुश्त राशि खाते में उत्पादन के अनुदान के रूप में सीधे किसानों की दी जाए। भारतीय किसान संघ की मान्यता है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। जो 90% किसान तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्ज का भुगतान कर रहे हैं, उनके लिए क्या। इसीलिए भारतीय किसान संघ ये मांग करता है कि राज्य सरकार अदान सहायता के नाम पर सीधे किसानों के खाते में रकबे के हिसाब से पैसे दे, जो किसानों की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित चंद, जिला मंत्री प्रिंस ठाकुर, जिला कार्यकारिणी और खंड कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधीश महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में हमने ये कहा है कि किसानों के नाम पर जो हो हल्ला किया जा रहा है वो केवल मात्र 90% जो लोग हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। केवल 10% जो लोग हैं जो कर्जा नहीं दे पाते उनका ही कर्जा माफ़ किया गया है, लेकिन जो किसान मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कश किसान हैं, वो अपना कर्जा भी माफ़ करते हैं, लेकिन उनकी क्या गलती है, उनके खाते में पैसा क्यों नहीं। तो हमारा ये मानना है कि उनके खाते में भी पैसा जाए और उन जो हमारे किसान काम कर रहे हैं खेतों में उनको पेंशन भी लगनी चाहिए। जैसे तेलंगाना में पेंशन लगी है 1000 रुपया पर मंथ जो है वो किसान को पेंशन लगी है, वैसे हमारे किसानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। किसान संघ ने अपने जिला इकाई की तरफ से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि भारतीय किसान संघ ये मांग करता है कि किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी की जा रही है ये उसके समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक किसान को कुछ ना कुछ लाभ हो, इसलिए हमारी ये मांग है कि जो जो भी किसान हैं उनको सीधे उनके रकबे के हिसाब से जो उत्पादन होता है उसकी सीधी राशि उसके खाते में दी जाए, ताकि वह अपने अगर मान लीजिए उसकी फसल में कोई कटौती होती है तो उसका वो मतलब उसमें से पूरा कर सके। और हम मुख्यमंत्री महोदय से ये भी गुजारिश करते हैं कि किसानों की ये जो राशि है सीधे उनके खाते में डाली जाए, ताकि उनकी समस्याओं का थोड़ा सा समाधान हो सके।